शेरोज, हाँ शेरोज ने ये ऐप बनाई है। तो इस तरह आपने भी क्या करना है, छोटी छोटी ऐप बनाना शुरू कर देनी है। अब मिसाल के तौर पे अगर इस तरह की ऐप बनानी है तो आप क्या सर्च करेंगे जाके गूगल पे कि जी फ्री एपीआई डिक्शनरी, सही है। तो ये देखो ये एक एपीआई आ गई, सही है। ये ऑक्सफोर्ड की भी शायद कोई एपीआई मौजूद है, डिक्शनरी एपीआई, रैपिड एपीआई करके एक प्लेटफॉर्म है, वो है ही, उस पर पूरा एपीआई का हिसाब किताब है। अच्छा अब मैं आपको कुछ मजीद एपीआई दिखाता हूं। क्रिकेट स्कोर एपीआई, ठीक है, ये रैपिड एपीआई पे देखो क्रिकेट के स्कोर की एपीआई मौजूद है, सही है। वेदर की एपीआई तो हमें पता ही है, हम बना चुके हैं। न्यूज की एपीआई, ये देखो newsapi.org। अब इसमें पेड होती है ज्यादातर, लेकिन फ्री वाली भी मौजूद है। अच्छा और अब कुछ बताओ, और क्या चीज हो सकती है? हाँ मूवीज की एपीआई, ठीक है। अब जो मूवी की ना रेटिंग एपीआई होगी असल में, हाँ रेटिंग वॉलपेपर, बहुत सारी चीजें हो सकती है मूवी में भी कि जी इस वीक ब्लॉकबस्टर कौन सी मूवी रही, क्या रहा, उस तरह की एपीआईज। तो अब जो जो चीजें आप सोच सकते हैं ना, वो चीज पहले से बनी हुई है, मौजूद है इंटरनेट पर। तो आपने ना छोटी छोटी इस तरह की एप्स बनानी है, जो कन्वर्टर्स होते हैं डिफरेंट किस्म के। एक तो तरीका ये है कि कन्वर्टर आप खुद बना लें, कैलकुलेशन खुद से कर लें आप, और खुद से कैलकुलेशन करके आप कन्वर्टर बना लें। एक कन्वर्टर की एपीआई भी मौजूद होगी, ठीक है, यूनिट कन्वर्टर एपीआई। ये देखो यूनिट कन्वर्टर एपीआई, न्यूट्रो एपीआई आ गई। अच्छा और उसके अलावा कौन सी, डाइट की एपीआई हो सकती है, डाइट प्लान जो बनाते हैं कि बंदा बताएगा कि यार मैं कितना चलता हूं, कितना बैठता हूं, क्या करता हूं दिन में मैं, और उसको वो एक न्यूट्रिशन सजेस्ट कर दे, ठीक है, न्यूट्रिशन प्लान बता दे। तो उसकी एपीआई मौजूद है, जो भी आप सोच सकते हो ना वो इधर हो सकता है। तो आपने अपने सराउंडिंग में इर्द गिर्द आपने देखना है कि कौन से वो छोटे छोटे से टूल्स हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ती है। इवन दो कि फोटो और वीडियो जनरेट करने की भी एपीआईज मौजूद हैं, ठीक है, आप जैसे कैनवा जैसी कोई ऐप आप खुद बना सकते हैं, सही है। मैं अगर आप सर्च करूं यहाँ पे कि इमेज जनरेट एपीआई, ठीक है, टेक्स्ट टू इमेज, ये देख रहे हो, ये तो ओपन एपीआई जब से आई है ना, ये ओपन एआई और ये चैट जीपीटी वगैरह, तो ये सब तो बहुत हो गया, अब बहुत दुनिया इसके पीछे भाग रही है। तो ये आप फ्री एपीआई भी लिखूंगा तो साथ में फ्री वाला आ जाएगा। हाँ उस तरफ क्या कर दे, नहीं आ रहा, आ गया, अच्छा ये देख रहे हो, टेक्स्ट लिखोगे और इमेज बना के दे देगा वो आपको सामने से। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री भी लिखा हुआ है इसमें, अभी प्राइसिंग इसकी पता चलेगी, प्राइसिंग इसने नहीं जिक्र की यहाँ पे कहीं, प्राइसिंग 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 पे चलते हैं। फ्री प्लान में लिखा ही नहीं है कि क्या है। अच्छा स्टार्ट फॉर फ्री 30 API credits, 30 API credit आपको मिलेंगे फ्री में, उसके बाद आपसे ये पैसे मांगते हैं, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी APIs मौजूद हैं। अच्छा जो ये ऐसी 30 API call वाला है ना हिसाब किताब, इसमें एक सजेशन दे रहा हूं मैं कि आप ये कर सकते हैं कि ऐप जब खुले ना तो आप उसमें खाना बना के दे दें कि जी फला जगह पे जाओ साइन अप करो और इधर लाके API पेस्ट कर दो फ्री, ताकि कोई यूज करे, वो API तो कॉल खत्म हो जाएगी, फिर आपका जो पोर्टफोलियो तो खराब हो गया, वो चल रहा ही नहीं होगा। तो आप उसमें ये करेंगे एक छोटा सा खाना नीचे बना दें, आप कह रहे इस पे लाके API खुद से बना लो अपनी, क्योंकि हर किसी को 30 API का क्रेडिट मिलेगा ये, तो आप वो खाना छोटा सा बना के उस पर बोलेंगे कि यार ये पेस्ट करो उधर और फिर चलाओ उसको, ताकि वो 30 API हर बंदा उसको चला सके। तो अच्छा मैं असल में ये वाला इमेज API तो नहीं सर्च करना चाह रहा था,
इमेज एडिट एपीआई, सही है कि जी, एक फोटो है और उसको आपने एडिट करना है, उसमें किस किस्म के एडिट्स आप कर सकते हैं एपीआई के जरिए वो आप देखें। अच्छा नहीं, ये सारे प्रॉम्प्ट वाला ही आ रहा है यार टॉप पे। चैट जीपीटी जो है ना बहुत हाइप पे इस वक्त, वो बाकी के रिजल्ट्स कहीं दब गए नीचे। तो एपीआई के जरिए ना आप ये भी कर सकते हैं कि जी आपने एक यूजर से इनपुट लिया इमेज, और इमेज लेके आप क्या करते हैं उसको एपीआई पे भेजते हैं, और वहां से क्रॉप वगैरह करके उसको सर्कल करके या उसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट करके छोटे मोटे फिल्टर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप वो इमेज भेजते हैं इस क्लाउड पे एपीआई कॉल में, और साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं, तो वो उसको उसी हिसाब से प्रोसेस करके वापस ले आता है। तो इस तरह की छोटी छोटी ऐप्स आपने देखी होंगी अक्सर, बनी भी होती हैं। तो अच्छा जी, और कोई छोटी मोटी ऐप जिसमें एपीआई की जरूरत पड़ती हो? ज़कात कैलकुलेशन एपीआई, हाँ ज़कात की कैलकुलेशन भी, लेकिन ज़कात की कैलकुलेशन तो बड़ी सिंपल सी है। यार मौजूद तो है, कोड पेन पे लोगों ने बना के रखा हुआ है। ज़कात कैलकुलेटर बिल्कुल आप बना सकते हैं, एक अच्छी ऐप है ये, कि जी आप बंदा अपना एसेट्स एंटर करे और एसेट्स के हिसाब से वो उसको लगा दे। हाँ, एपीआई की नीड नहीं होगी उसमें, खुद भी आप कर सकते हैं। तो हाँ, यूआरएल शॉर्ट करने की भी एपीआई आती है। नहीं, अभी मैं ये गौर कर रहा हूँ कि ज़कात में तो ये होता है कि जो भी आपका टोटल अमाउंट है उसको आप 2.5% उसका ज़कात लगती है, लेकिन एक इसके अंदर ना डिफिकल्टी मौजूद है ज़कात के अंदर, ज़कात को कैलकुलेट करने में। वो डिफिकल्टी भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर वो फेस करनी पड़ती है। तो जो अभी जिक्र हुआ ना कि ज़कात कैलकुलेटर ऐप बना दी जाए, तो उसमें जाहिर है को प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए ना। तो प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या है प्रॉब्लम उसमें। ये है भाई कि ज़कात उन पैसों पर लगती है जो रखा हुआ हो, सही है, जो फ्रीज हुआ हो, जो अमाउंट आपका फ्रीज है ना, या चाहे वो अकाउंट में डिपॉजिट पड़ा हुआ है, या चाहे ज़मीन की सूरत में आपने कहीं पे लेके छोड़ा हुआ है, या आपके पास कोई ज्वेलरी की सूरत में पहना हुआ है या रखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके उन चीज़ों पे होता है कि फ्रीज हुआ हुआ है वो अमाउंट। अच्छा, लेकिन सिर्फ फ्रीज होने से वो नहीं होता, उस पर साल भी पूरा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई ज्वेलरी आपने खरीदी 10 लाख की खरीदी, अगर आपने 2 महीने बाद वो सेल कर दी तो उस पर फिर नहीं लगता लगा। 2 महीने बाद आपने सेल करके उससे कुछ आपने गाड़ी खरीद ली, अब वो गाड़ी आप चला रहे हैं तो वो तो आपके इस्तेमाल में हो गई, तो फिर उस पर नहीं लगता। या ज़मीन आपने खरीदी थी, आपने 6 महीने रखे, लेकिन आपने 6 महीने रखने के बाद उसको बेच दिया, प्रॉफिट आ गया उसका, फिर आपने वो पैसा कहीं और डाल दिया, तो फिर नहीं उस पर लगती, ठीक है। और ज़कात का सिस्टम रखा ही इसीलिए गया है कि जी ये हरकतें ना करे कोई, क्या ना जी ले लेके छोड़ा हुआ है और जमा किया हुआ है, तो ये हरकतें ना करें बंदा, ठीक है, पैसा सर्कुलेशन में रहे। और अगर कोई लेके छोड़ रहा है तो फिर वो अपना दिल बड़ा करे भाई, उसमें से कुछ पैसे वो डोनेट भी करें। तो ये मेनली सिस्टम बना ही इसीलिए है, ज़कात जो है वो इस्लाम के अरकान में से, जो 5 इस्लाम के अरकान है उनमें से एक है। तो ज़कात जो इस्लाम, अगर ज़कात हटा देंगे तो इस्लाम का एक हिस्सा हटा दिया आपने एक्चुअली। तो फिर वो ये होता है कि जी कोई ना ये वाली हरकतें ना करे कि ले लेके छोड़ा हुआ है और फिर उस पर सांप बन के बैठा हुआ है ना किसी को वो, क्योंकि पैसा जब आप सर्कुलेट, मिसाल के तौर पर अगर मैंने कोई ज्वेलरी ली भी थी, अब जब मैं उसको 2 महीने रख के सेल करूंगा ना जब, तो किसी को बिजनेस मिलेगा मेरी वजह से, किसी ना किसी को मिलेगा। या अगर मैंने कोई ज़मीन लेके छोड़ी भी थी, तो अब अगर उस ज़मीन पे मैं घर बना दूं और घर बना के उसको मैं रेंट कर दूं अगर, तो फिर उस पर ज़कात नहीं लगेगा, फिर ज़कात उस रेंट के अमाउंट पर लगता है। जो रेंटल इनकम आती है ना, मिसाल के तौर पर 20,000 रुपये आपका महीने का किराया आ रहा है, तो उस ज़कात उस पर लगेगी फिर 20,000 रुपये में। अच्छा, वो भी अगर आपने खा पी के ख़त्म कर दिया तो फिर वो तो जीरो, उस पर कोई ज़कात नहीं है। तो वही 1 करोड़ की जमीन जिस पे जो है वो आपका जो है ना 2.5 लाख रुपए ज़कात लग रहा था, जमीन की सूरत में पड़ा हुआ था, जब वो वंस उस पर आपने घर कंस्ट्रक्शन कर दी और आपने रेंट पे दे दिया, तो अब वो जगह शायद 1.5 करोड़ की हो गई, 1 से 1.5 की हो गई ना वो तो यार अब, लेकिन उस पर ज़कात जीरो है, क्योंकि वो किसी, उसको किसी ना किसी को बिजनेस मिल रहा है, कोई बंदा उसमें रह रहा है, फिर जाहिर है वेयर टेयर भी है उसका,
आप भी थोड़ा मतलब, क्योंकि रेंट पे जब बंदा आप रखते हैं ना, तो आपको भी बैठने नहीं देता सुकून से, वो आपको भी कंटिन्यूअसली एंगेज रखता है, एक्टिव रखता है। छोटे बच्चे होते हैं ना जैसे, वो आपको सुकून से बैठने नहीं देते। तो रेंट में भी जब आप बंदा रखते हैं कोई, तो रेंटल इनकम लोगों को लगता है बड़ा मजेदार है, कोई मसला नहीं है, बस आ रहा है। लेकिन वो भाई ऐसा एंगेज रखता है ना आपको, किराएदार आपका, के 14 तबक रोशन कर देता है बिल्कुल। वेल, तो आप भी थोड़ा चुस्त रहें, चाको चौबंद रहें, और आपका जो पैसा है वो भी सर्कुलेशन में रहे। इस चीज को लेके ना ज़कात, अच्छा अब देखो मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें, दो चीजें हमने देखी। नंबर एक प्रॉब्लम हमने ये देखी कि जी वो साल पूरा होने की कैलकुलेशन ना, ये बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है मेरे लिए इस वक्त। कि जी अब एक पैसा डिपॉजिट हुआ बैंक में, अब वो किस्तों में हो रहा है ना यार, वो एक दाम थोड़ी हो रहा है सारा। अच्छा 1 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ बैंक में, अब वो 1 लाख वो पड़ा है। अच्छा फिर उसमें से कुछ तो खत्म हो गया, कुछ उसमें से पैसा खत्म हो गया, मतलब 40-50 हज़ार उसमें से खत्म हो गया। फिर उसके बाद 1 लाख और डिपॉजिट हुआ 2 महीने या 3 महीने बाद। अच्छा मैंने अभी राइट नाउ इसका हल ये निकाला, मैंने अकाउंट ही अलग किया हुआ है, रिजर्व फंड्स का अकाउंट अलग किया हुआ है मैंने, जो खर्चे के पैसे वाला अकाउंट है वो अलग किया हुआ है। तो जो सारा पैसा रिजर्व फंड में आता है, वहां से निकाल के जो खर्चे वाला अकाउंट है उसमें लाता हूँ मैं, ताकि उसमें छेड़छाड़ ना हो, वो आसानी से हिसाब निकले उसका। और मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोगों ने यही हरकत की हुई होगी कि जी जो भी अमाउंट आता है ना, वो सारा एक जगह पे जाके इकट्ठा करता हूँ मैं, और फिर थोड़ा थोड़ा वहां से निकाल के, मतलब महीने के, मैंने बिजनेस का असूल है बाई द वे, कि महीने की ना आपने अपनी सैलरी लगानी होती है। अगर आपने, कोई बिजनेसमैन है ना, किसी दिन ज्यादा कमा लिया तो ज्यादा खर्च कर दिया, तो गेम ओवर है फिर आपकी। फ्रीलांसिंग में तो खास तौर पे महीने में, आप अगर 3 महीने का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, तो उसके बाद 3 महीने या 4 महीने प्रोजेक्ट नहीं भी होगा, समटाइम पूरा पूरा साल भी प्रोजेक्ट नहीं होता, ठीक है, फ्रीलांसिंग में। ये फैक्ट है ये जो बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर 1 साल तक प्रोजेक्ट नहीं आएगा, तो मैं तो सर्वाइव नहीं कर सकता फिर। तो आपको ना महीने की अपनी सैलरी फिक्स करनी होती है कि जी इतनी सैलरी मैंने लेनी है, इसके ऊपर जो भी आएगा वो रिजर्व फंड्स में जाएगा। तो अब मसला ये है कि अब 1 लाख डिपॉजिट हुआ, उसमें से 40-50 हज़ार निकल गया, ये एक आम सिनेरियो में बता रहा हूँ, अकाउंट अलग करने में तो मसला ही हल है फिर। लेकिन मसला फिर भी हल नहीं है, उसमें भी एक इशू है, वो भी आपको बताता हूँ मैं। अब उसको कीप ट्रैक कैसे रखा जाए, क्योंकि पहले वाला जो डिपॉजिट था उसके अभी बचे हैं 60,000, उसमें मजीद फिर 2 लाख और डिपॉजिट हो गए, तो अब ये 2,60,000 हैं, लेकिन उनमें से 60,000 को हो चुके हैं 3 महीने फ्रीज हुए हुए। लेकिन बाद में जो 2 लाख आए हैं उसको फ्रीज हुए हुए अभी एक दिन गुजरा है। तो जब साल इस पे पूरा होगा, तो सारे पैसों पे एक साथ नहीं पूरा होगा साल, सारे पैसों पे तो नहीं होगा, क्योंकि हर 2 महीने 3 महीने के गैप से उसमें कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हैं और कुछ निकल भी रहे हैं नीचे से। तो ये स्टैक और ये इस चीज को ना मैनेज रखने का, या उसको कीप ट्रैक रखने का कोई आसान तरीका होना चाहिए कि जी वो मैं अपना बैंक स्टेटमेंट निकालूं और किसी ऐप को दूं मैं, तो वो AI बेस हो, या मे बी मैं हाथ से उसको लिख दूं डेट वाइज। बट ये भी बड़ा मुश्किल रहेगा कि जी मैं इस स्टेटमेंट को देखता जाऊं इधर से PDF से, और इधर ऐप में उसको हाथ से लिखूं, दैट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। हाँ 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 बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। नहीं वैसे तो ये होगा कि जी ज़कात की जो मिनिमम, जो जो क्या उसको कहते हैं, मिनिमम लिमिट जो है ना जिस पे ज़कात लगता है, वो तो 7 तोला सोना जो है उसके अमाउंट के बराबर होगा तब लगेगा। लेकिन 7 तोला कितने का है अभी राइट नाउ। हाँ वो तो पता नहीं, 52 तोला चांदी है या 7 तोला सोना, कोई एक भी टच हो गया तो लग जाती है फिर। तो वो तो पता नहीं, 2-2.5 लाख है, इतना तो सबके पास है यार आजकल, 2-2.5 लाख तो हर किसी के अकाउंट में पड़ा हुआ है यार। नहीं मतलब ये नहीं है तो फिर घर है, या तो कुछ ना कुछ होता है बंदों के पास। अच्छा जिनके नहीं है, तो फिर तो वो ज़कात है ही नहीं उनके ऊपर, फिर तो उसको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो चुप करके अपना मजे से जिए जिंदगी। हाँ इसी तरह का कुछ हमें करना होगा कि आप मिसाल के तौर पे पहले से अकाउंट में अगर उतने पैसे थे,
जितनी ज़कात की लिमिट होती है उतने थे अगर, तो अब उसमें जो भी डिपॉजिट आ रहा है उसको तो कीप ट्रैक रखना पड़ेगा ना आपको यार, उसको कीप ट्रैक रखना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसे मिसाल के तौर पे 5 लाख पहले से थे अकाउंट में, अब ज़कात तो इस पे आती है 5 लाख के ऊपर, अब वो 5 पहले से थे, तो आमतौर पर लोग रमजान में निकालते हैं, लेकिन जब वो रकम आई है ना उस दिन से उस दिन तक साल होता है असल में। तो ये कैसे पता चलेगा, इसका तो पता लगाने का तरीका नहीं है कोई फिलहाल, आसान तरीका तो कोई। हाँ नहीं इतना आसान नहीं है ना मसला, यही तो मसला है इतना। देखो अगर ऐसे आते हैं ना फिर तो इशू नहीं है, फिर तो बहुत इजीली हिसाब निकल जाता है, मगर वो आते हैं किस्तों में, कभी आते हैं 30 हजार, कभी आते हैं 20 हजार, कभी 50 हजार। नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, ऐसे नहीं होता। मिसाल के तौर पे रमजान की 10 तारीख को जकात निकालता है कोई बंदा, ये लोगों ने आसानी के लिए किया हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है, साल पूरा होने पे निकलती है, 10 तारीख को लगाता है कोई। अब वो उसके अकाउंट में 5 लाख थे, अब 1 महीने पहले यानी जिस डेट को जकात निकालता है उससे 1 महीने पहले उसके पास 5 लाख मजीद डिपॉजिट आ गया, तो अब क्या वो 10 लाख की जकात लगेगी? नहीं निकलेगी, साल वो बाकी का जो 5 लाख है उस पर साल पूरा नहीं हुआ ना, नहीं हुई ना मर्ज, यही तो बात है। हाँ पूछ लेना तुम, नहीं ऐसा नहीं है भाई, जिस चीज पे साल पूरा नहीं हुआ उस पर नहीं लगती लगा, नहीं नहीं मर। हाँ नहीं वैसे बात सवाल सही है उसका, ये अगर सवाल है तो पूछना जरूर तुम भाई, मैंने तो पूछी हुई ये सारी चीजें जो मतलब मेरी नॉलेज के मुताबिक, जाहिर है मैं कोई अब मौलाना तो हूं नहीं, तो मैंने अपने लिए मसला पूछा था ये, तो मुझे जो डेटा मिला था मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आप ये कोई आप समझ लें उसको कोई फाइनेंशियल क्या उसको कहते हैं एडवाइस नहीं है, और ना कोई आपकी रिलीजियस एडवाइस है, ये जस्ट एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, जो फाइनेंशियली एडवाइस आपने लेनी है ना तो आपके जो भी फेवरेट मौलाना है आप उनसे पूछेंगे जाके, ठीक है, मेरी बातों में आने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं एक आपसे केस डिस्कस कर रहा हूँ, केस स्टडी। तो पॉइंट मेरे कहने का ये कि जब जिस पे मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंगली जिस हाँ एक दिन के अमाउंट के ऊपर जकात दे हाँ रखी है, एक दिन पहले अमाउंट आ गई है तो उसके ऊपर जकात दे रखी है, ऐसा कोई भी हाँ चीज नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, साल पूरा होना जरूरी है। हाँ नहीं मिल तो रहा है, क्या है मिक्स हो जाता है, अबे तुम वैसे ही बताओ ना, अब ये तो पता लंबी पैराग्राफ है, ऐसे ही बताओ जो कह रहे सही कह रहा है। सही तो कह रहे हैं। अच्छा वो सही कह रहा है, हाँ मुझे नहीं पता, नहीं नहीं ये तो ये डेट भी तो फिक्स नहीं है ना यार कि किस वक्त निकालनी है आप, साल पूरा होने पर निकलेगी। अच्छा और अगर अलग अलग अकाउंट में है तो, अच्छा नहीं मेरा देखो बात तुम्हारी सही लॉजिकल है, लेकिन इसमें मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल ये है कि मैंने किसी भी मौलाना से ये नहीं सुना कभी कि भाई अल्लाह के नबी ने बोला कि इस तारीख को निकालो, ये तो बोला ही नहीं है, साल पूरा होने पे नहीं, तो साल पूरा कब होगा, तो बस कब कोई एक डेट लगानी पड़ेगी फिक्स है ना, तो फिर उस डेट से होगा ना, अब उस हाँ ये टेक्निकल बात है, मे भी ऐसा हो आई एम नॉट श्योर, ये दोस्त इन्होंने भी बताया कि यार ऐसा है कि वो मिक्स हो जाती है तो पूरा देना पड़ता है, लेकिन फिर वो स्टार्टिंग और एंडिंग का जैसे न्यू ईयर होता है ना, न्यू ईयर तो मैं पता है जी पहले जनवरी को ही आता है, लेकिन ज़कात को निकालने की डेट नहीं है। वेल तो देखो प्रॉब्लम है ना स्टिल, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया कि जी ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसको कीप ट्रैक रखना डिपॉजिट्स को या एसेट्स को कीप ट्रैक रखना। अब मिसाल के तौर पे एक मेरा दोस्त है, अभी रिसेंटली उन्होंने एक प्लॉट खरीदा था, 2 साल तो नहीं खैर 1.5 साल हुए हैं, 1.5 साल पहले उसने प्लॉट खरीदा था, अब वो प्लॉट की मालियत थी 70 लाख, मार्केट वैल्यू जो उसकी 70 लाख थी, अब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई 1.5 करोड़ की, अब वो कितने का हो गया, 220 का हो गया ये। अच्छा अब कंस्ट्रक्शन जो हुई है ना वो हुई है 4 महीने पहले, लेकिन वो प्लॉट उसके पास 1 साल से था,
अब हम ही असल में रात को डिस्कस कर रहे थे ये बैठ के कि जी अब वो जकात क्या प्लॉट की मत जो प्लॉट की कीमत है उस पर लगेगी जकात, या जो ओवरऑल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो अभी हुई है। हाँ पूछना पूछना, सब लोग पूछना यार, जिनके है ना कनेक्शन है मौलाना वगैरह के साथ, जान पहचान है, बैठना उठना है तो पूछना यार ये, क्योंकि पता होनी चाहिए बातें हमें। क्योंकि यार ये देखो जकात ना इस्लाम का रुकन है यार, हमें श्योरिटी से पता नहीं है तो फिर इसका मतलब है हम कहीं और, हम गुम हैं कहीं और। नहीं नहीं रहने के लिए तो अब्बा का घर है वो अब। हाँ हाँ अच्छा हाँ, अपने लिए क्या जमीन पे भाई ज़कात है। जमीन पे अगर अगर कोई रह नहीं रहा है ना जमीन पे, मतलब मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर जमीन पे कोई रह नहीं रहा है अगर, तो उस पर ज़कात है भाई 100%, उस पर कोई वो रियायत नहीं है। अब भले आपने जो भी दिल में नियत की हुई हो, प्लाट लेके छोड़ा हुआ है ना भाई, उस पर कोई रह तो नहीं रहा। इन फ्यूचर अपने रहने के लिए, अबे तो अपना तो 1000 गज का घर है ना, वहां रह रहे ना फिर तो, नियत जितनी भी करती रहे। नहीं नहीं ऐसी तो ऐसी नियत वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी एक बात कह रहा हूं मैं कि अभी एग्जिस्टिंग एक घर मौजूद है ना, और ज्वाइंट फैमिली है पूरे, उस घर में सब लोग रहते हैं, तो मिसाल के तौर पर अगर वो नियत कर भी ले गया मैं तो, वो तो फिर नियत में तो फिर। अब एक मिसाल है, अभी मैं हम गुजर रहे थे, हाँ तो वो दूसरा है उस पे, वो प्लॉट की सूरत में या घर खाली, बहरिया आए जो 2 बनाया अभी यार, वो कितनी बड़ी बिल्डिंग है वो, और वो पिछले 5 साल से वैसी ही पड़ी हुई है। नहीं उस पे ज़कात लगेगी या नहीं लगेगी, बिका तो है ही नहीं ना वो, बिका थोड़ी है वो तो खाली पड़ा है अभी, नहीं बिके होंगे, मतलब चलो कुछ बिक गए होंगे, लेकिन जो नहीं बिके हैं, जो बिल्डर की पोजेशन में, बिल्डर उसकी जकात देगा ना, खाली पड़ा हुआ है वो क्या। अच्छा नहीं नहीं अगर तो कोई बंदा खुद रेंट पे रह रहा है ना, उसने जमीन ली है और उसकी ये नहीं आता कि चलो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा बाद में, वो तो फिर भी जस्टिफाइड है, लेकिन किसी बंदे का अपना घर है और वहां परमानेंट है वो। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब देखो बात तो सही है तुम्हारी कि नियत अगर है, मगर नियत वो तो मुंह से फिर मैं बोल दूं कि यार मेरे पास ये 6 प्लॉट है, मैं 6ों में रहूंगा जाके बारी बारी, ये तो नहीं हो सकता ना यार, ये तो नहीं हो सकता ना। एक सिचुएशन हो सकती है जैसे न्यूजीलैंड में लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, तो वहां पे एक रिवाज है, एक डिफरेंट अजीब रिवाज है, शायद आपको अजीब लगे, वहां पे लोगों के 2 घर होते हैं और 6 महीने वो एक घर में रहते हैं, 6 महीने वो दूसरे घर में रहते हैं। अब ये एक अलग ही लेवल किया हुआ उन्होंने, बस एक नॉर्थ साइड है, एक पता नहीं ईस्ट साइड है, वो दोनों में एक एक घर दोनों साइड पे बनाया हुआ होता है उन्होंने, कुछ वेदर वेदर के साथ थोड़ा नासाजगार हो जाता है। अच्छा इस बहरहाल कुछ है सिस्टम वहां पे, तो अचानक ना मतलब जब हम काम कर रहे होते थे ना, अचानक एक सर्टन टाइम पे ना, पूरे साल के एक सर्टन टाइम पे, अब वो मैसेज आता था यार वी आर प्रिपेयरिंग टू मूव, वी आर प्रिपेयरिंग टू मूव। अबे मैंने कहा यार ये सारे क्यों मूव करते हैं, पागल हैं क्या ये मतलब वो सारे टीम उधर ही की थी ना, तो वो सारे कह रहे हैं यार मैं भी मूव कर रही हूँ, वो कह रही मैं भी मूव कर रही हूँ, वो कह रहा है यार मैं भी जाऊंगा, मैं अगले हफ्ते मूव करूंगा, मैं अभी नहीं जा रहा। अबे मैंने कहा ये सारे क्यों जा रहे हैं, मैं समझा पिकनिक पे कहीं जा रहे हैं।
उसने कहा नहीं अभी भाई अगले दिन मीटिंग हुई, उसने कहा भाई ये मेरा नया घर है, अभी हमने सफाई वफाई की है यहाँ पे, अभी हम यहाँ रह रहे हैं। हाँ, हर 6 महीने पे मूव कर जाता है। तो चलो वो 6 महीने उधर यूज होता है, 6 महीने इधर होता है, तो उस पर फिर नहीं लगेगी वो, दोनों घर उसका है यूज में। लेकिन भाई अब मैंने अगर 4 जगहें खरीद के रखी हुई हैं और चारों पे कंस्ट्रक्शन भी हुई हुई है, लेकिन वो खाली पड़े हुए हैं, तो मैं जितना मैं जितनी मर्जी नियत कर लूं कि मैं उधर शिफ्ट होऊंगा, भाई उस पर लगेगी मेरे हिसाब से। तो हाँ, अगर उस पर रेंट लगा हुआ है तो रेंटल इनकम पे लगेगी, वो भी अगर खा पी के खत्म कर दिया तो फिर कुछ भी नहीं है, जीरो फिर। तो जहां पे माल फ्रीज होता है ना आपका, मेरे हिसाब से तो वहां पे हर जगह लगती है, जहां जहां माल। अगर मैं ये समझता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि अभी मौलाना क्या बताएंगे इस बारे में, मैं ये समझता हूँ कि अगर गाड़ी भी किसी ने कपड़ा चढ़ा के खड़ी कर दी ना बैक यार्ड में, और उसको भी साल से ऊपर हो गया कपड़े चढ़े हुए, तो मेरे हिसाब से फिर उस पर भी लगनी चाहिए। नहीं, वो तो रोज फोन हो रहा है ना उससे, उस नहीं कार अगर पीछे अगर खड़ी कर दी है कपड़ा चढ़ा के और खुद बसों पे जा रहा है नहीं, लोगों ने किया हुआ है भाई, फ्यूल इतना महंगा हो गया, लोगों की औकात से बाहर हो गया है, लोग कार को कपड़ा चढ़ा दिया लोगों ने। अगर उस पर बचना है ना मेरे हिसाब से जकात से, अगर तो हर संडे को फैमिली को निकालना पड़ेगा उस पर बिठा के, फिर उसको ना 2 महीने बाद उतार के पानी शानी मार के उसको ना थोड़ा गली में घुमाना पड़ेगा, शशके कराने पड़ेंगे थोड़े, वरना तो उस पर भी लग जाएगी। अगर पूरा हाँ साल गुजर गए ना अगर, हाँ नहीं ये तो मोटी मोटी बात है ना। चलो यार, बहुत लंबी हमने डिस्कशन कर ली है। नहीं यार ये पीडीएफ है। अच्छा तो भाई अब आपका काम क्या है? अब आपका काम ये है, सब लोगों को असाइनमेंट मिल चुका है ये, कि जकात का मसला अच्छी तरह समझना है, जाके मौलाना साहब के पास जाके अच्छी तरह समझना है जकात का मसला। और ये जो डिपॉजिट वाला मामला है और जो एसेट्स वाला मामला है, आपने एक छोटी सी ऐप ऐसी बनानी है जिसमें ये सारा ये आसानी हो जाए, कि एक बंदा ना अगर उसके पास वो ऐप हो आपकी बनाई हुई, वेबसाइट की सूरत में होगी जाहिर है, तो उसके लिए ये सब कैलकुलेशन करना कोई मसला ही ना हो। सही है, ये वाला मसला हमने हल करना है कि जी गाड़ी खरीदी थी तो कौन से, क्योंकि गाड़ी का भी लोग कारोबार करते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं फिर बेच देते हैं फिर खरीद लेते हैं। अगर दुकान है किसी की तो दुकान में जो माल तजारत है उस पर लगती है जकात। अब किसी की कपड़े की दुकान है, अब वो उसमें तो बहुत मतलब आसान नहीं होता पता लगाना, तो इस तरह से वो डिफरेंट नीश को भी कवर करे वो थोड़ा बहुत जिस हद तक हो सके। अदरवाइज उसको वो मोटा मोटा जो 4 चीजें हैं कि जी बैंक डिपॉजिट्स और सोना और वो जो दोस्त ने बताया कि जी चांदी कितना है और जरूरत से ज्यादा जो एसेट्स हैं उसकी मालियत क्या है, तो वो इन चीजों पे करते हुए उसमें फिर वो चेक मार्क लगा हुआ कि जी मिसाल के तौर पर ऐसे प्लॉट का जिक्र हुआ कि जी अगर आपके पास एक ही प्लॉट आपने वो लिया हुआ है और आपका मूव होने का इरादा है, तो उस पर वो चेक बॉक्सेस हो कि जी आई वॉन्टेड अ मूव देयर, तो फिर उस पर वो जीरो कर दे, है ना। फिर लास्ट में वो सारी चीजें जब हो जाए तो लास्ट में एक आपके पास पूरा वो हिसाब बना हुआ है, जैसे वो एक रिसिप्ट एक इनवॉइस की तरह वो बना के पूरा दे कि जी ये चीज थी इस पे इतना जकात लगा इस वजह से, ये चीज थी इस पे कोई जकात नहीं लगा इस वजह से, ऐसे वो पूरी एक इनवाइस बना के दे दे, है ना। और फिर वो क्या करे बंदा, उस इनवाइस को जाके किसी मौलाना को दिखा दे वेरीफाई करने के लिए, है ना। हम नीचे लिख दें कि जी ये इनवाइस हमने बना दी है टेक्नोलॉजी के बलबूते पे, लेकिन आप इसको जाके किसी मौलाना से वेरीफाई करा लें, दैट्स इट। तो ये तो बड़ी अच्छी ऐप बन जाएगी हमारी, है ना। अच्छा फिर जिसकी सबसे अच्छी बनेगी उसका हम सैलानी का नाम लगा के ना उसकी ऐप को पब्लिश कर देंगे सैलानी के नाम से। सही है। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ नहीं देखो, अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जी बंदा जो है ना अपने एसेट्स एंटर करता जाए, और वो ये भी एंटर करता जाए कि ये एसेट मेरे पास कितने टाइम से है और उस किस मद में है वो एसेट, ठीक है। जैसे कि अब अगर बंदे ने लिखा है कि जी घर है, वो उसमें कैटेगरी वो आ रही हो लिस्ट आ रही हो कि जी वो क्या गोल्ड की सूरत में है, कैश की सूरत में है, बैंक डिपॉजिट है, बॉन्ड है, या गोल्ड की सूरत में क्या है वो, ठीक है। अब बंदे ने अगर सेलेक्ट किया कि प्लॉट है वो, तो प्लॉट सेलेक्ट करते ही आगे चेक बॉक्सेस आ जाए कि जी वो प्लॉट किस नियत से लिया हुआ है, जस्ट इन केस, अभी तो वो पूछेंगे आप लोग तो पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस नियत से लिया हुआ है। उसमें 4 ऑप्शंस आ जाए कि जी मैंने इधर मूव होना है, मैंने इसको बाद में सेल करना है, मैंने इसको कुछ भी नहीं करना है ऐसे ही छोड़ देना है, लाइक दैट, ठीक है। अगर वो गोल्ड सेलेक्ट करे तो गोल्ड पे भी आप उस तरह जो भी आगे है क्राइटेरिया कि जी गोल्ड, गोल्ड में तो वैसे हर सूरत में ही लग जाता है कि खुद भी पहना हुआ तो लगता है,
ठीक है, चश्मा भी अगर सोने का तो उस पर भी लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह सारे क्राइटेरिया आ गए। अगर गाड़ी है तो उसमें ये आ जाएगा जी, गाड़ी क्या आप इस्तेमाल करते हैं, चार्ज है, गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, बैकयार्ड पे खड़ी है कपड़ा चढ़ा के, या आपने इसको बेचने की नीयत से लिया है। तो इस तरह वो जो जो वो सेलेक्ट करता जाए उस पर वो ऑप्शन आते जाए, और उस बेसिस पे उस पर वो ज़कात लगाए या ना लगाए, आपका जो एल्गोरिथम है। हाँ 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 नहीं, पढ़ना पड़ेगा इसको, समझना पड़ेगा अच्छी तरह। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, इसकी बैटरी खत्म हो गई यार। यार अगर बैटरी तो पकड़ लो, तो जब तक आप ये प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझेंगे नहीं ना, जब देखो हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, इसको गौर से समझना। एक होता है आपका टेक्निकल लीड होता है, सॉफ्टवेयर का क्या होता है, टेक्निकल लीड होता है जो कोडिंग का एक्सपर्ट होता है। लेकिन हर सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त एक उसका डोमेन एक्सपर्ट भी साथ होता है। डोमेन एक्सपर्ट मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐप बन रही है जो पायलट इस्तेमाल करेगा, जहाज में चलने वाली ऐप है वो, ठीक है ना, पायलट उसको इस्तेमाल करेगा अगर, तो उस ऐप को बनाते हुए भाई मुझे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या पता है कि पायलट को वहां क्या मसले आते हैं। अब मैंने कोई बटन बना दिया बहुत छोटा, अब पायलट वहां पे कितनी अर्जेंसी होती है, किस सिचुएशन में उड़ रहा होता है जहाज, वो थोड़ी मुझे पता है, वो तो उसको पता होगा ना यार कि कौन सा बटन ज्यादा सामने होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन अंदर होना चाहिए, वो तो मुझे क्या पता। या कोई फाइटर पायलट है, उसके अपने एक मसले होते हैं। या कोई ऐप है जो हॉस्पिटल में इस्तेमाल होगी, उसको सर्जन खुद इस्तेमाल करेगा, अब सर्जन के हाथ में खून लगा हुआ है, वो टच स्क्रीन काम ही नहीं करेगी। ये तो मसले सॉफ्टवेयर डेवलपर को थोड़ी पता होंगे, ये तो डोमेन एक्सपर्ट चाहिए इसके लिए। तो जब तक डोमेन एक्सपर्ट नहीं होता ना, जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं दुनिया के या जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं, तो उसमें जो है ना क्या होता है कि एक आपका टेक्निकल लीड होता है और साथ में उसके एक डोमेन एक्सपर्ट होता है जो डोमेन की नॉलेज जो है ना बता रहा होता है। अगर कोई डॉक्टर्स के लिए कोई ऐप बन रही है तो जाहिर है उसमें एक डॉक्टर होना चाहिए जिसको मेडिकल की सारी नॉलेज हो। अगर कोई बन रहा है इंजीनियरिंग की कोई ऐप बन रही है अगर इंजीनियर्स के लिए, तो भाई उसमें एक इंजीनियर होना चाहिए जो अंदर फॉर्मूले लग रहे हैं उसको कम से कम वेरीफाई तो करे कि कैलकुलेशन सही आ भी रही है, कि मतलब मैंने तो देखा अच्छा ये फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर दिया, अब वो पता नहीं गलती कर दी मैंने अप्लाई करने में, उसको कौन वेरीफाई करेगा। तो इसी तरह अगर ज़कात की ऐप बनेगी ना, तो उसमें एक मौलाना साहब डोमेन एक्सपर्ट होंगे जो उसको वेरीफाई करेंगे कि अच्छा ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है क्या ये सही लगा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट उसको इनपुट देंगे, जो आउटपुट जो निकल रहा है उसका वो मौलाना साहब उसको वेरीफाई करेंगे कि अच्छा यार इस पॉइंट पे आके ये मसला कर जाती है, इस पॉइंट पे जब इस तरह इसको डेटा मिले तो ये घपला हो जाता है, इसमें इसको समझ नहीं आता फिर। सही है, तो डोमेन एक्सपर्ट आप खुद बनना है आपने, क्योंकि आप खुद मुसलमान हैं, तो आप बजाय इसके कि मौलाना साहब को पकड़ के लाएं, आपने जाना है उसके पास और जाके आपने मसले को समझना है, ठीक है। कोई छोटी मोटी बुक भी अगर उनसे पकड़ लें आप, उसमें पूरा डिटेल से पढ़ लें कि जी क्या मसले होते हैं और दौरे हाजिर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, एक डोमेन एक्सपर्ट होता है और एक होता है आपका जो यूजर होता है, यूजर सर्वे होता है। अच्छा, एक तो मैं खुद यूजर हूं, मैंने आपको अपना मसला बता दिया कि जी मुझे ये मसला आता है, आपने और लोगों से भी सर्वे करना है अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि किसी भी ऐप को बनते वक्त ना ये यूजर का ये इनपुट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जी यूजर को क्या वाकई ये मसला आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। जो बाकी दूसरे लोग हैं, अब साल में वो कैसे ज़कात निकालते हैं, अपने अम्मा अब्बा से भी आप पूछेंगे कि जी आप क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, या जो बिजनेस वगैरह रन करते हैं ज्यादातर लोग, उनको उनके लिए ज्यादा इशू है क्योंकि उनकी बड़ी ट्रांजेक्शन होती हैं, तो उसमें ये कीप ट्रैक करना है कि जी कौन सी ट्रांजेक्शन पे नहीं लगेगा कौन से पे लगेगा, ठीक है। अब किसी ने अकाउंट अलग किया हुआ होगा, किसी ने क्या, कोई ना कोई जुगाड़ हर किसी ने निकाला हुआ होगा, तो वो सारा इनपुट जब आपको मिलेगा ना कि लोग यूजर आपका क्या कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार कर पाएंगे जो उस यूजर के लिए बेहतरीन सॉल्यूशन होगा। तो एक तो डोमेन एक्सपर्ट है ना कि करना क्या है कैसे होगा, लेकिन प्रॉब्लम भी समझना होता है कि भाई प्रॉब्लम वाकई है भी है, सिर्फ हो सकता है सिर्फ मुझे ये प्रॉब्लम आती हो सकता है बाकी लोगों को ये प्रॉब्लम ही ना आती हो, तो कितने बड़ी कितना बड़ा क्राउड है आपके पास जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो जितना बड़ा क्राउड होगा उतना बड़ा आपका जो है ना मार्केट होगा, उतनी बड़ी आपकी मार्केट होगी। मिसाल के तौर पे अभी अगर कोई एक ऐप बनाई जाए ऐसी कि ड्राइवर जो होता है ना, बस का जो ड्राइवर होता है, जो यहाँ पे हमारी फारिग किस्म की कोचें जो चल रही हैं 7 स्टार और माशाल्लाह, और क्या ये W11 W21,
इनके ड्राइवर को एक मोबाइल ऐप अगर दे दें हम, जैसे उबर वाले के पास होता है लोकेशन, अच्छा, और वो अपनी लोकेशन अप कर दे, बस बस की लोकेशन होगी एक्चुअली, वो ड्राइवर की लोकेशन बस की लोकेशन है, और वो अप कर दे, और जो यूजर है, एज अ यूजर मैंने अगर बस पे बैठना है तो मैं उस पे देखूं, अच्छा जी ये 7 स्टार भी आ रही है और ये W11 भी आ रही है, और वो मुझे सारी बसें दिखना शुरू हो जाए। अच्छा मैं घर से फिर उसी हिसाब से निकलूं, अच्छा यार अभी तो बस कोई बहुत दूर है, मुझे आधा घंटा खड़ा होना पड़ेगा। नहीं नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, नहीं, ड्राइवर तो कर लेगा, ड्राइवर को जब दिखेगा ना कि जो जिसके पास ये होता है उसके पास पैसेंजर आते हैं, मेरे पास आ ही नहीं रहे, नहीं मतलब बंदे को दिख रहा होगा ना कि यार अभी आधा घंटा दूर है बस, तो वो घर पे बैठा रहेगा, वो बाहर थोड़ी आएगा। अच्छा बीच में जो भी ड्राइवर आएगा उसको लगेगा यार रोड खाली है, पता नहीं हड़ताल है आज, तो फिर ड्राइवरों की खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी, वो तो कर लेगा, ड्राइवर क्यों नहीं स्मार्टफोन यूज करेगा, उसके अच्छे को भी करना पड़ेगा। सही है, तो मतलब वो एक मार्केट में बात फैलती है ना भाई, अभी जो उबर और ये सारे जो ये, तो ये टैक्सी ड्राइवरों को पता चला ना कि अरे यार हमारे पास अचानक कस्टमर गायब हो गया सर, उसने कहा यार ये क्या हुआ यार, कोई आ क्यों नहीं रहा हमारे पास, फिर उन्होंने पूछा लोगों से, उन्होंने अच्छा यार एक ऐप आ गई है उसमें लिखते हैं तो वो डायरेक्ट घर पे आ जाता है बंदा, फिर उन्होंने बोला अरे अच्छा ऐसे हो गया, उन्होंने बोला फिर यार हमें भी लगाओ, हमें भी बना के दो, फिर घर पे ना खानदान में बच्चे ढूंढ रहे थे वो सारे, किसी कोई पढ़ा लिखा बच्चा हो ना कंप्यूटर वाला बच्चा, उससे हम ये ऐप बनवाए, ये हुआ है। फिर वो सारे टैक्सी वाले या तो उन्होंने टैक्सियां बेच बाच के खत्म कर दी, या तो वो उबर पे इस पे आए, वो जो मिनी वाले निकाला था उन्होंने उस पे सारे टैक्सी वही है, फिर वो रक्शे वालों को आहिस्ता आहिस्ता पता चला, फिर उन्होंने रक्शे का ऑप्शन निकाल दिया, फिर रक्शे वाले भी सारे ऐप पे आ गए। अभी आप देखें ये बाइकिया का रक्शा चल रहा है ये, और क्या कहते हैं ये उबर तो खैर खत्म ही हो गई अब, करीम का चल रहा है रक्शा, इन ड्राइव बड़ा चल रहा है आजकल, रक्शे वाले सारे रक्शे वाले इन ड्राइव में इस वक्त सारे रक्शे वाले, तो वो तो हो जाएगा, वो जब देखेंगे ना कोई नहीं आ रहा हमारे पास तो फिर इन इधर उधर देखेंगे कि हुआ क्या हमारे साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैं एज अ यूजर बस पे तो बैठ ही नहीं रहा हूँ, बस पे कौन बैठ रहा है भाई, कोई बस पे तो कोई भी नहीं बैठ रहा, सब लोगों ने अपनी अपनी मोटरसाइकिलें निकाली हुई है। हाँ हाँ बस सही है, उसका इंस्पिरेशन ले लो, उसको छाप दो सीधा सीधा, और क्या है। हाँ नहीं अच्छी बात है, वो शेयर करना तुम ग्रुप में शेयर कर देना। दोस्त ने बताया कि दावत इस्लामी की एक ऐप बनी हुई है ज़कात वाली, उसको देखें, उसको स्टडी करें, उसमें क्या कमियां हैं, उसमें क्या अच्छी चीज़ है, इंस्पिरेशन लें, उसको कॉपी करें, उसमें अपने नए फीचर मजीद ऐड करें। अच्छा हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ बस पे कौन बैठ रहा है भाई, बस पे तो कोई नहीं बैठ रहा, अभी इस ऐप का तो कोई फायदा नहीं है, तो ये बसें तो बंद होने वाली हैं वैसे भी थोड़े दिनों में, अभी वो नई वाली बस आ गई है, नई कंपनीज आ गई हैं उसके, वो अच्छी अच्छी बसें हैं उनकी। अच्छा मजे की बात, लेकिन ऐप वाला उन्होंने भी नहीं किया अभी तक, तो ये ऐप अगर बनानी चाहिए तो वो नई वाली बसों के लिए बनानी चाहिए, ये पुरानी वाली बसों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन पर तो कोई भी नहीं बैठता, सब लोगों ने अपनी वो मोटरसाइकिलें खरीद ली हैं, बेचारे उस पर जाते हैं सब लोग, बसों से नाउम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि उन बसों की हालत ऐसी होती है कि पता चल भी जाए आ रही है या दिख भी जाए आ रही है तो बंदा बोलता है भाई छोड़ दो यार मैं पैदल चले जाऊंगा, यही हाल हुआ होगा, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका मार्केट शेयर बहुत छोटा है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उस बस पे बैठना चाह रहे हैं, और ज्यादातर लोग जो बस पे बैठते हैं वो फोन ही नहीं रखते, क्योंकि बस पे लूट लेते हैं, फोन रखते भी हैं तो वो जेब में रखते हैं, छुपा के रखते हैं, निकालते नहीं है फोन, तो इस तरह के मसले हैं हमारे पास, तो मार्केट शेयर हमारा बहुत ही छोटा है। मिसाल के तौर पर मैं तो कभी भी बस पे नहीं बैठूंगा, एक दफा मेरी बाइक खराब हो गई थी कहीं पे, बहुत पहले की बात है, 2015 की बात है ये, तो वो उसके बाद मैकेनिक के पास मैंने खड़ी की बाइक, उस वक्त बाइक भी पुरानी थी मेरे पास, पता नहीं 1913 वाली कोई बाइक थी वो, मैं रोज कोसता था कि यार क्या यार बाइक है ये, कोई ढंग की बाइक लूंगा मैं, 2014-15 की बात बता रहा हूँ, तो उसने बोला यार तुम एक काम करो ना बस पे बैठ के चले जाओ, उस वक्त मैं फेज 5 में इंटर्नशिप करता था, तो सदर में खराब हुई थी, सदर में वो पता नहीं जॉनी वॉनी करके क्या नाम था उसका, तो उसने कहा यार यहाँ से 60 नंबर बस होती है उस पर बैठो चले जाओ, फिर वापसी आते हुए यहीं पे तो उतरोगे तुम, यहाँ से उतर के बाइक ले जाना भाई, मैं उसके कहने मैंने कहा यार आइडिया तो बहुत अच्छा है, बस फिर मैं बस पे बैठा और मुझे बाइक की कदर आ गई। सही है, तो वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद दोबारा मैं बस पे नहीं बैठा कभी, हालत ही ऐसी है भाई, अब यूं भरे हुए थे ऐसे, अब इधर से कोई टच हो रहा है मैंने कहा अभी ये जेब कटी मेरी, उस वक्त तो हालांकि फोन भी नहीं होता था मेरे पास,
लेकिन फिर भी बैग तो था ना, बैग में लैपटॉप होता था और काफी और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब कुछ बैग से ही मुझे लग रहा है कोई निकाल ना ले कुछ, और वो ऐसे चपक रहे हैं एक दूसरे से, फिर पसीना टच हो रहा है लोगों का, अजीब एक माहौल बना हुआ था। तो ऐसा बेहतरीन एक्सपीरियंस हुआ ना मेरा, मैंने उसके बाद रोज शुक्र अदा करता था, या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है भाई का, या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है भाई का, समझ रहे हो। और फिर अच्छा वापसी पे भी सीन हुआ मेरे साथ, मैं तो निकलता था तसल्ली से आराम से कि जी 10 बजे निकलता था रात को मैं, कि जी रोड वोड खाली होंगे आराम से जाऊंगा, तो मेरी आदत थी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा मैं 10 बजे निकला बस ही नहीं है बस तो बंद हो गई थी डिफेंस में, 7 बजे बस बंद हो जाती है, ये मुझे उस दिन पता चला। तो बस थी नहीं, अब मैं खड़ा हूँ, अब मैं कोई कह रहा है पैदल उधर चले जाओ, कोई कह रहा है उधर चले जाओ, अब सन्नाटा रोड में पैदल जा रहा हूँ। फिर मैं पता नहीं काफी पंजाब चौरंगी तक मैं पैदल आया, सऊदी कॉन्सुलेट से पंजाब चौरंगी तक पैदल आया मैं, और पंजाब चौरंगी से फिर मुझे बस मिली पता नहीं कौन सी, और वो भी बस बिल्कुल खाली, मुझे लग रहा है अब कोई लूटेगा आगे। उस वक्त लैपटॉप बड़ा लूटते थे, उस वक्त लैपटॉप महंगे होते थे ना, नए नए थे, अब तो लैपटॉप को पूछता नहीं है कोई, अब तो फोन चाहिए उनको सिर्फ और कैश चाहिए, लैपटॉप नहीं पूछ, अब नहीं लूटते लैपटॉप है ना, या लेते हैं भी ले जाते हैं, नहीं वो पता नहीं होता उनको इसलिए ले जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि बैग में लैपटॉप है। हाँ वो बोलते हैं यार पूरा बैग ले लो बस जो हुआ नसीब है, वरना स्पेस स्पेशली लैपटॉप के लिए नहीं आते अब यार वो, अब उनको पता है लैपटॉप ऐसे ही फारे हैं इसका कोई फायदा नहीं है। तो ये हमने देखा कि यार मार्केट जो शेयर है ना वो हमारा बड़ा होना चाहिए। अच्छा यार क्या हम बात कर रहे थे, Page 999 ये रहा। अच्छा लास्ट टाइम हम इवेंट्स हमने पढ़े थे ना,